लेकिन अभी सारा किया, ए मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, शादी करोगी, शादी करोगी, शादी करोगी, मेरी सहजादी बनो। जैसे इतनी बात कहा तो कैकेयी बोली ना, हंस दिया, हंस दिया महाराज दशरथ, समझ गए, हंसने लगे। वो कहा लगे हमसे कहा गप्पद कहा हो जाए। मेरे बंदो, आज महाराज दशरथ तुरंत अशुपति से कहा, राजन मैं तुम्हारी लड़की से युद्ध नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी बेटी से हम शादी करेंगे। महाराज अशुपति ने विचार किया, भाई चक्रवर्ती राजा हैं, सम्राट राजा हैं, और फिर बात सही है, बात सही है नौमी। दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, तो सूरत नहीं देखी जाती, लेकिन इतना याद रहे, दिल होए काबू में दिलदार की ऐसी तैसी, चटनी मिल जाए तो अचार की ऐसी तैसी, कैकेयी के साथ में तुरंत शादी कर लिया। जब शादी कर लिया मेरे भाई बहनों, महाराज दशरथ आज कैकेयी को ले आ रहे, कहां रहे, अयोध्या। जिस समय अयोध्या को महाराज दशरथ पहुंचे, कौशल्या बड़ी खुश है कि मेरे स्वामी कम से कम मेरी दूसरी बहन ले आए। आहा, आज कल अगर तुम दूसरे का नाव ले लो तो कहो जाले मौत आएगा। वारे कौशल्या बड़ा खुश है। महाराज दशरथ कैकेयी के साथ में रहने लगे, लेकिन कोई संतान न हुई। जब कैकेयी को जिस दिन विवाह करके लाए भैया, उसी दिन की एक घटना घट गई। क्या? महाराज दशरथ जैसे अयोध्या में पहुंचे, इधर एक युद्ध चल रहा था, देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम चल रहा था। उस युद्ध में राक्षस बलिष्ठ राक्षस बलिष्ठ हो रहे थे, मेरे भैया। आज महाराज दशरथ जिस समय कैकेयी को लेके आए हैं अयोध्या में, उसी समय देवासुर संग्राम में राक्षस सब जीत रहे थे, देवता हार रहे थे। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं तुम सब मार दिए जाओगे, अगर विजय लेना है तो एक काम करो। चक्रवर्ती महाराज दशरथ अयोध्या में राजा रहते हैं, उनके पास जाओ, उनके बाण के द्वारा तुम्हारी विजय होगी। देवता लोग युद्ध छोड़ दिया, भैया पहुंचे राजा दशरथ के दरवाजे पर। जिस समय दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे, महाराज दशरथ से दुहाई लगाया, दशरथ निकले। ओके भैया, कोई क्या नवा नवा बिहाव भाव होए, और तक कहते चलो मारू करो, चले मारू करी भाई, आज हम लड़े नहीं लड़े जाओ, आज नवा नवा बिहाव भाव है और रिश्तेदार तमाम घर में भरे हैं। मेरे बंधु, महाराज दशरथ से देवताओं ने कहा, महाराज मैं तो मारा गया, आज ही आपकी जरूरत है। महाराज दशरथ ने कहा, देवताओं दशरथ ने कहा, सुनो देवो, दशरथ ने कहा, सुनो देवो, हम नया ब्याह करी लाए,
विवाह करी लाए। है आशुपति की सुता सुघर, है आशुपति की सुता सुघर, रानी कहे के लाए। करने नहीं जाएंगे क्योंकि राजा आशुपति की बिटिया कैकेयी के साथ तमाम शादी करके आए भैया। महाराज दशरथ ने जब मना कर दिया, हे जौनी लड़की बिटिया मैके में यहाँ खूब चढ़चढ़ बिरवन पर ब्याह खाती हैं, यादा मई ससुरारी में झिटका लगाई है। वो जौनी लड़की बिटिया खूब मैके में लड़ती हैं खूब, तो यादा ससुरारी में धिंग धिंगा होई। जब ए यहाँ तो मर्दाना भेष सदा करती थी, आज जब राजा दशरथ ने मना कर दिया तो कैकेयी देखो विवाह करके उसी ये कहते हैं वीरों के घर में जो ना आदमी पहलवान होता है उनके वीरता जागे उठत। और एक बात है भैया, माँ अपने बेटे को चाहे जैसा बनाए, जैसा बनावे वैसा बन जाएगा। आप लोगों ने इतिहास में एक नाम सुना होगा, माता का नाम था जीजाबाई, और जीजाबाई के एक बेटा था जिसका नाम था शिवाजी। शिवाजी की जिस समय 12 वर्ष की उम्र थी, बेटा अगर बचपन में डर गया तो सब दिन डरपोक हो जाएगा। एक दिन माता जीजाबाई, शिवाजी 12 साल की उम्र में थे, माता जीजाबाई ने शिवाजी को ऊँट की नकेल पकड़ा दिया और माता जीजाबाई ऊँट पर बैठ लिया, बेटा चल तू गाँव घुमाओ, लोग जाने कि जीजाबाई के कोई बेटा है। जा रही थी मैया जीजाबाई, एक गांव के किनारे पहुंची, देखिए एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर, चढ़ी ऊंट पर निकट गांव के जाती थी, एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर निकट गांव के जाती थी, और निकट गांव के जाती थी, और निकट गांव के जाती थी। ओ 12 वर्ष बच्चे के हाथ में के हाथ में वह नकेल शोभा पाती थी, मैया जा रही थी। थोड़ा जंगल पड़ता है तो गांव वालों ने देखा बूढ़ी अम्मा से कहे, बुढ़िया आए बूढ़ा जाती किधर, सुत का तुझे न ख्याल, आगे तेरे लाल का होगा बेशक हाल। ए बुढ़िया मैया कहाँ जा रही हो? आगे जंगल में एक शेर रहता है, वो तुम्हारे बेटे को वो तुरंत खा जाएगा। माता जीजाबाई ने सोचा कि अगर आज मेरा बेटा डर गया तो सारी जिंदगी डर जाएगा, फिर मेरा बेटा नाम रोशन नहीं कर पाएगा। माता जीजाबाई ने कहे गांव वालों, अरे गांव वालों डराते किसे, अरे गांव वालों डराते किसे, चल के देखो तमाशा मेरे शेर का, चल के देखो तमाशा अरे मेरे शेर का, चल के देखो तमाशा मेरे शेर का, चल के देखो।
पुत्र को बहका रहे। बोली जीजा बाई ने कहा सुन लीजिए, बात मेरी न मानो अरियाना हो गई। चल के देखो तमाशा मेरे लाल, जीजाबाई ने कहा गांव वालों मेरे बेटे को डराते हो, चलो देखो मेरा शेर क्या करता। वास्तविक में जंगल में शेर बैठा था, जब जंगल के सामने पहुंची तो शेर एकदम धाड़ मार के निकला, धार मार के दौड़ा। माता जीजाबाई ने सोचा अगर मेरा बेटा आप डर गया शेर तो खा जाएगा। माता जीजाबाई ने कहा बेटा मार बिलौटा मर जाए। बिलौटा बताया, शेर बता देती डर जाता। तो शिवाजी ने क्या किया, एक जरा सी एक सींक पड़ी थी भैया, सींक एक सींक उठाया और सींक उठा करके, ए भैया सींक उठा करके लड़का देखते हो जो कदम मारो तो तनिक सरी छड़ी ले आओ, मरे हैं बहुत तेज चोट लागे तो जो ना ना जो मारा करे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जो वही धीरे से मारा है दादा पापा के लागत है ना। शिवाजी ने उठाया सींक मारा, माता के भैया कब सींक से ने वो शेर मरे वाला, उस सींक से ने कहो शेर मरे वाला, नाम हो गया शिवाजी का। माता जीजाबाई ने पीछे से जहर बुझा तीर पीछे से छोड़ दिया, शिवाजी नहीं जान पाए। जब पीछे से जहर बुझा तीर छोड़ दिया वो तीर ले जा करके भैया शेर के धड़ाम से सीने में लगा, शेर पीछे ही पलट गया, पीछे ही धड़ाम से गिर गया, शेर मर गया। गांव वाले सब दौड़ पड़े। माता जीजाबाई ने कहा देखो गांव वाले हो, आज मेरे बेटे ने एक बिलौटा मार डाले भैया, बिलौटा और मरा परा शेर। जब कहा मेरे भैया ने एक बिलौटा मार डाला तो गांव वाले दाह